हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो आज मैं आपको इंट्राडे कॉल्स देने वाला हूं 15 अप्रैल के लिए। और यहां पर जितने भी कॉल्स मैंने पिछले वीडियो में भी दिए थे, सभी में हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। और यहां पर मैंने आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक रिकमेंड किया था, रेन इंडस्ट्री, जो 104 रुपये पर मैंने आपको लाइव मार्केट में रिकमेंड किया था। और लाइव मार्केट में भी मैंने आपको वहाँ पर टारगेट दिए थे, वो भी अचीव हुए थे। और वो भी मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक दिया है, जहाँ मैं आपको 3 से 3.5 गुना का रिटर्न दे रहा हूँ, वो भी 4 से 5 साल के अंदर। तो यहाँ पर भी मैं आपको चाल दिखाऊंगा कि जब मैंने आपको 3 दिन पहले ये रिकमेंड किया था, तो अब इसका प्राइस 104 रुपये से कहाँ आ चुका है, ये भी हम देखेंगे। और हमारे नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे कॉल्स भी देखेंगे, जो मंडे को हमें ट्रेड कर अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी को मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो सके। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमारे 15 अप्रैल के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइस, ये रहे हमारे 15 अप्रैल के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि रेन इंडस्ट्री जो मैंने आपको रिकमेंड किया था लाइव मार्केट में, तो उसका मूवमेंट क्या है। यहाँ पर ये देखेंगे, हमारे जो रिकमेंडेशन थी वो मैंने 10 अप्रैल के दिन दी थी, वो भी लाइव मार्केट में, जब मार्केट में मूवमेंट चल रहा था। करीब 12 बजे के मैंने आपको ये रिकमेंडेशन दी थी। और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको जब ये स्टॉक दिया है, तो 104 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा था जब लाइव मार्केट में मैंने आपको ये रिकमेंड किया। और फिर आप देखेंगे तो ये 3 दिन के अंदर, कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन, इसने 20% का सर्किट लगाया है। और यहाँ पर इसने जो मोमेंट दिया है 131.80 का इसने मोमेंट दिया है यहाँ पर। तो ये भी आप देखिएगा कि कितने अच्छा मोमेंट दिखा रहा है, और अभी ये और भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। और अगर आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए है, जो दो तीन गुना नहीं बल्कि आपको 10 से 15 गुना का रिटर्न दे सके, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर वो स्टॉक परचेस कर सकते हैं। जो स्टडी अभी चल रही है जिस स्टॉक की, तो उसमें आप परचेस कर अगर उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, जो कि 20 रुपये के आसपास अभी चल रहा है प्राइस, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको आने वाले दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। आपको कुछ सालों के अंदर वो 10 से 15 गुना तक भी रिटर्न दे सकता है, इतना दम रखता है वो स्टॉक। और आपको बीच बीच में डिविडेंड भी मिलते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, तो डिविडेंड भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। और आपको जब रिटर्न मिलेगा तो काफ़ी बेहतर मिलेगा। तो उसको परचेस करने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए, आप देखेंगे हमारे इंट्राडे कॉल्स जो हमको मंडे मार्केट के दिन कुछ प्रॉफिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो है, उसको देखने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप इंट्राडे में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, चाहे वो कैश हो, फ्यूचर है वो, या ऑप्शन हो, आप सभी में पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको मेरी सर्विस ज्वाइन कर काम करना है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हो, जहां आपको 2 से 3 कॉल दिए जाते हैं पर डे के। और वहां हम लॉन्ग टारगेट में काम किया करते हैं, जैसे कि पीसी ज्वेलर में काम किया, रेन इंडस्ट्री में, इंट्राडे में काम किया, तो वहां पर एक हमने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाला है इंट्राडे में ट्रेड करवाकर। तो अगर आपको, और सबसे पहला जो स्टॉक था जो मार्केट ओपन होते ही साथ दिया गया था, वो था गेल। गेल का सबसे पहले मार्केट ओपन होने से पहले ही मैसेज कर दिया गया था कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, गेल को आप ओपन होते ही साथ बाय करें। तो वहाँ पर भी हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, अगर जो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, अगर वो आप खुद से सीख कर खुद एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपके लिए क्लासेस के लिए टाइम नहीं है, तो आप सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पर कॉल्स मिलते रहेंगे और वहाँ पर ट्रेड कर अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो गाइज, आगे बढ़ के हम देखते हैं, अभी हमारा जो सबसे पहला कॉल है मार्केट में, इस तरह का मोमेंट रहा है कि आधे कॉल बाय और आधे कॉल सेल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपको कुछ स्टॉक्स में बाय और कुछ स्टॉक्स में सेल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा कॉल है ONGC का। तो ONGC में भी गिरावट रहने वाली है मंडे मार्केट में, हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कमजोरी अभी जिस तरह से इसने दिखाई है, उस तरह से इसने रिवर्सल भी क्रिएट किया है, तो उस वजह से यहाँ पर हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ऑयल एंड गैस के अंदर यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है हमको। तो ONGC में हम सेल करके चलेंगे। गेल बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है अभी, ONGC में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है यहाँ पर, और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, तो हम इसको सेल करके चलेंगे 157.20 से। हमारा टारगेट रहेगा 155.60 का, और SL हमारा रहेगा 158.80 का। अगर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पर 63 लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेल फाइल है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है 1% टारगेट और 1% SL का, जिस वजह से यहाँ पर प्राइस डालने से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइस चेंज होते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसलिए आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे।
और जो हमारा सेकंड कॉल है ये है आईओसी का। तो आपको देखने को मिला होगा सभी पेट्रोलियम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी हमको फ्राइडे मार्केट में, और जिनमें तीनों में से जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल में हमको सबसे ज़्यादा कमजोरी जो है वो आईओसी के अंदर देखने को मिली है। और मंडे मार्केट में भी हमको इसके अंदर एक दिन और कमजोरी अगर देखने को मिलती है और ये पोजिशन अगर ये ब्रेक कर देता है 155 की, तो आप टारगेट लगाकर चलिएगा 153.45 का और ऐसा लगा कर रहेगा 156.60 का। और जो हमारा थर्ड कॉल है वो है आईसीसी बैंक का। तो थर्ड कॉल में आप देख रहे हैं आईसीसी बैंक के अंदर आपको एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली थी, यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली थी, बट अभी भी इसने अच्छा खासा ये मोमेंट पॉजिटिव ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव मूव की तरफ ज़्यादा फोकस करके चलिएगा, और आपको बाय करना है 395.60 से, आपका टारगेट रहेगा 399.55 का और एस एल आपका रहेगा 391.60 का। और जो हमारा फोर्थ कॉल है वो है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से गिरावट आ रही है, बट मोटर्स अभी जो मोटर्स इंडस्ट्री है उसमें थोड़ी सी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मोटर स्टॉक्स में बढ़त ही देखने को मिलने वाली है। अब दूसरे स्टॉक्स जो सेक्टर रहते हैं, सेक्टर बाय सेक्टर आपको मूवमेंट देखने को मिला होगा, कभी किसी सेक्टर में मूवमेंट रहता है कभी किसी सेक्टर में। तो अभी टाटा मोटर्स में थोड़ी सी कमज़ोरी इसके फंडामेंटल के हिसाब से चल रही है अभी थोड़ी सी, बट मोटर सेक्टर पॉजिटिव ही रहेगा। मोटर सेक्टर में अभी थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिलने वाला है, तो उस पर आप ध्यान देकर चलिएगा। बट टाटा मोटर्स में अभी जो टेक्निकली इसमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है वो नेगेटिव रहा है, जिस वजह से इसमें जो मूवमेंट बन रहा है अभी नेक्स्ट डे के लिए भी वो भी नेगेटिव ही बन रहा है। बट हो सकता है कि इसमें अगर उछाल देखने को मिलता है बट नीचे का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाकर चलिए, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दीजिएगा अगर आपको ये लेवल ब्रेक करता हुआ ना दिखाई दे तो। 214.90 से आपको सेल करना है, इससे पहले नहीं करना है। आपका टारगेट रहेगा 212.75 का और एसएल आपका रहेगा 217 का। और जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है ये है जील का। तो जील में आपको देखने को मिल रहा होगा डाउनफॉल तो आया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन अभी इसने ब्रेक किया है, जिस वजह से आपको हम इसमें बाय की तरफ फोकस करके चलेंगे मंडे मार्केट के दिन। और हमारा जो पोजीशन रहेगी 419.50 से बनेगी, हमारा टारगेट रहेगा 423.70 का, एसएल हमारा रहेगा 415.3 का। और जो हमारा सिक्स्थ कॉल है ये है अदानी पोर्ट का। तो अदानी पोर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती बनी हुई है यहाँ पर पहले से ही, बट यहाँ के ऊपर के लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन बना हुआ है, इसको ब्रेक करने के बाद ये और ज़्यादा आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम इसमें बाय करके चलेंगे 387.20 से, हमारा टारगेट रहेगा 391.05 का, एसएल हमारा रहेगा 383.30 का। और जो हमारा सेवन्थ कॉल है ये है आरईसी का। REC तो शुरू से ही मजबूत चल रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा फॉल देखने को मिला जिस वजह से थोड़े से लोग डर जाते हैं, बट REC के अंदर अभी और ज़्यादा मूवमेंट बाकी है और यहाँ पर हमको इंटरडे में भी बढ़त ही देखने को मिल सकती है। तो REC में आप फोकस बनाकर चलिएगा, बाय की तरफ 155.70 से आपको बाय करना है, आपका टारगेट रहेगा 157.30 का और एसएल आपका रहेगा 154.20 का। और जो आपका एट्थ कॉल है ये है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। एक चीज़ और बता दूँ कि आपको अगर कोई भी बंदा YouTube पर लाइव मार्केट में कॉल्स आकर देता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो बंदा कौन सा है, ताकि मैं भी देख सकूं कि लाइव मार्केट में मेरे सिवा लाइव मार्केट में कॉल देने वाला और कौन है जो इंटरडे या होल्डिंग के लिए लाइव एकदम कॉल दे दे और आपको सीधा सीधा बाय करने को बोले। ये ना बोले कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी के पास होता नहीं है। ये बातें थोड़ी सी अजीब सी रहती हैं, तो आप बस कमेंट करके बताइएगा कि लाइव मार्केट में कॉल्स और कौन देने वाला है मेरे सिवा, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सिवा और कौन है। और यहाँ एट्थ कॉल हमारा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमज़ोरी है आज, यानी कि फ्राइडे के दिन इसमें गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली थी। सॉरी, आज सैटरडे है, फ्राइडे मार्केट में इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी करीब 1.5 से 2% की। तो यहाँ पर हम फिर से एक कमज़ोरी आते हुए देख सकते हैं। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 825.50 से आपको इसको सेल करना है, आपका टारगेट रहेगा 817.25 का और आपका एसएल रहेगा 833.80 का। वैसे मैंने आपको ये होल्डिंग के लिए दिया है 1200 के टारगेट के लिए, बट यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी के बाद इसलिए मैंने इसका जो टाइमलाइन है वो 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने तक के लिए दिया हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1-2 दिन के अंदर ये पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। 1200 का टारगेट थोड़ा सा दूर है, ये थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी इसमें बीच बीच में देखने को मिलेंगी, तब जाकर ये 1200 का टारगेट अचीव कर पाएगा कुछ टाइम बाद। और जो आपका नाइन्थ कॉल है ये है TVS मोटर्स का। तो TVS मोटर्स में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूती इसमें लौटी है देखने को, और यहाँ से पूरा जो एक फॉल बना हुआ था
काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर बीच में कई बार देखने को मिली, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो रहा है, तो इस पर आप फोकस करके चलिए। आप अगर चाहो तो कुछ दिनों की होल्डिंग के लिए भी आप इसको बाय कर सकते हो, करीब 600 के टारगेट के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हो। अभी जो इसका आपको इंट्राडे में अगर आपको बाय करना है, तो 502.20 से आप इसको बाय करो, आपका टारगेट रहेगा 507.20 का, और एसएल आपका रहेगा 497.20 का। और जो हमारा 10th कॉल है, ये है हमारा एस्कॉर्ट का, तो मोटर सेक्टर्स और उससे जुड़े हुए जो पार्ट बनाने वाली कंपनीज हैं, तो उन पर भी आप फोकस बनाकर चलिएगा। इनमें भी बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन सभी कंपनीज़ में जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़कर ही आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इस पर आप फोकस बनाकर चलिएगा कि चुनाव के बाद भी इनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आपको। तो एस्कॉर्ट में हम देखेंगे तो बाय का जो फोकस है हमारा 789.20 से रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 797.05 का, और एसएल हमारा रहेगा 781.30 का। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने पूरे कॉल्स कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं आपको और आप प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आप इंट्राडे में प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपको मेरी सर्विस ज्वाइन कर काम करना है, ताकि आपको आसानी से कॉल्स मिलते रहें और उन कॉल्स पर आप काम करके प्रॉफिट निकालते रहें, चाहे वो कैश हो, फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, आप सभी में प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सर्विस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, जिसमें आपको 2 से 3 कॉल पर डे के दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स खरीदना है, तो उसके लिए भी आप स्टॉक जो आपको 10 से 15 गुना का रिटर्न दे सकता है आने वाले कुछ ही सालों के अंदर, जिसका प्राइस अभी 20 रुपये के आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अगर 1 लाख भी आप लगाते हो, 10 लाख आपको कुछ सालों के अंदर भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक खरीदना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखकर आपको फुल टाइम ट्रेडर खुद से बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, शेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।